Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फिर से फन उठा रही है नागिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने, मैं द्वारिका रानी की ही बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वागत किया अहिल्या देवी का। उनकी जीत के बाद गौतमा रानी की बातें उनको समझ में आ गई, मगर अंदर जो कड़वाहट है, अंदर जो जहर है, वो तो वहीं पे है ना दोस्तों। उस जहर को और ज्यादा भड़काने के लिए आती है जमुना, और जमुना से जब बात होती है, जमुना से जब उसको पता चलता है द्वारिका रानी को, तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा होती है, यानी कि फन उठाने की हिम्मत फिर से बनती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो द्वारिका रानी जो काफी देर से, एक तरह से कहूंगी मैं कि हारती आ रही है, हर बार वो कोशिश करती है मगर उनका जो पासा है वो उल्टा ही पड़ जाता है। अब उनके जवाई साहिब जिनको वो सबसे ज्यादा मानती है वो भी पद रहित है, यानी कि उनके पास कोई भी पद नहीं है, उनको अपने किए की सजा मिली हुई है। बेटी उनके घर छोड़ के जा चुकी है, अपने ससुराल वापस चली गई है इस जिद के साथ कि जब तक मेरे पति को उसका पद वापस नहीं मिलता मैं नहीं आऊंगी आई साहिब, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो एक तरह से पूरी तरह से हारी हुई है। ऊपर से हद यह है द्वारिका रानी की तरफ कि उनके सामने अहिल्या की जीत भी हो गई है। बड़ी कोशिशें की उन्होंने, मगर देवी अहिल्या हमेशा से जीतती आई है, वो हम सबको पता है कि सच के साथ हमेशा जीत ही आती है, तो वही देवी अहिल्या के साथ होता है और ये लोग हमेशा खून का खून पी के रह जाते हैं। अब खंडेराव एक ऐसा व्यक्ति है जो द्वारिका के हाथ हमेशा लगता है और द्वारिका उसका फायदा उठाती है, और माले राव का भी उठा रही है, बच्चा है। चलिए अभी खंडेराव की बात करते हैं, क्योंकि जमुना जब आके उसको लड्डू खिलाती है, वो लड्डू खाली खाने के लिए नहीं लाई है, वो सिर्फ ये बताने के लिए लाई है कि बाहर वो क्या रहा है, नहीं तो जमुना क्या जानती नहीं है द्वारिका रानी को कि अभी वो किस मूड में बैठी होंगी। मगर जमुना भी बहुत टेक्निकल है दोस्तों, उसको पता है कि पहले गुस्सा दिलाऊंगी फिर बताऊंगी खुशखबरी ताकि मेरी रानी मुझसे खुश ही रहे, इसीलिए वो बताती है कि देखिए आपकी तरह एक और है जो नाखुश है देवी अहिल्या की जीत से, और वो है खंडेराव। तो ये जान के द्वारका रानी तो बहुत खुश हो जाती है अंदर ही अंदर, क्योंकि पहले भी वो खंडेराव का इस्तेमाल कर चुकी है देवी अहिल्या के खिलाफ, हमेशा से उसकी यही कोशिश रही है कि ये देवी अहिल्या और खंडेराव के बीच में मन मुटाव रहे, इस बार फिर वही कोशिश है। और गौतमा रानी को भी चार बातें सुना देती है और कहती है, ये बात तो मुझे सही भी लगी कि गौतमा रानी ये कोई ऐसे ही कोई अचानक वाली बात नहीं है जो हुआ है, क्योंकि आपने तो अपने बेटे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी है, कुछ ऐसा ही कहना चाहती थी, और ये भी कह गई वो कि आपने अपने बेटे को इग्नोर कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी बहू की खुशी का जश्न इतना आप पे हावी था कि आपका बेटा आया और आपको पता भी नहीं चला। कहने का मतलब कि गौतमा को भी भड़काने की कोशिश है कि अब फिर से आप अपनी बहू की तरफ बढ़ रही हो, आप अपनी सुनवाई की जय जयकार कर रही हो और बेटे को इग्नोर कर रही हो। तो यही कहना इसके लिए वाजिब होगा दोस्तों कि अब द्वारका रानी को एक मिल गया है सुराग अपने फन को जो है हील करने का, अपना फन फिर से उठाने का, ताकि वो फन उठा के डसे अहिल्या देवी को, मगर फिर से उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी। हाँ, इस दौरान एक बहुत बड़ा जो हादसा होगा वो जो भी हम देखेंगे इस सीरियल में, जो हिस्ट्री में दर्ज है, वो सबके लिए शोकमय होगा, मगर द्वारका रानी का ये रूप जो फिर से आएगा वापस, इसका नुकसान वाड़े के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा होगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.